इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले ई फ्लू आई ड्रॉप्स के बारे में। ई फ्लू आई ड्रॉप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए, तो ई फ्लू आई ड्रॉप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया, फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जय। शुरू करते हैं ई फ्लू आई ड्रॉप्स, जो कि हमारे पास 5 ml का ड्रॉप्स है। ई फ्लू आई ड्रॉप्स को इंटर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ई फ्लू आई ड्रॉप्स के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है फ्लूरोमेथोलोन्स आई ड्रॉप्स आई पी बोलो तो इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया है जिसका नाम फ्लूरोमेथोलोन्स आई ड्रॉप्स इसके अंदर डाले गए हैं। ई फ्लू आई ड्रॉप्स का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल आंखों में लालिमा और सूजन के इलाज के लिए यह आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ई फ्लू आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल आंखों में लालिमा और सूजन के इलाज के लिए यह आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ई फ्लू आई ड्रॉप्स इन्फेक्शंस, एलर्जी, आंखों के ऑपरेशन के बाद आंखों में दर्द, लाल सूजन, खुजली और पानी जैसे लक्षणों से राहत देने में मदद करता है। ई फ्लू आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल इन्फेक्शन या एलर्जी के कारण आंखों के लाल होने या सूजन का इलाज करने के लिए यह आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आंख की चोट या आंखों की सर्जरी के बाद सूजन, खुजली और दर्द को कम करता है। ई फ्लू आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल आंखों के लाल होने, सूजन, इन्फ्लामेशन के इलाज के लिए यह आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ई फ्लू आई ड्रॉप्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स ई फ्लू आई ड्रॉप्स। ई फ्लू आई ड्रॉप्स के अंदर जो दवाई रहती है, यानी कि फ्लूरोमेथोनोल्स, वो एक स्ट्रेस दवाई है। ये आंखों में लालीपन, सूजन का कारण बनने वाले कुछ रासायनिक मैसेंजर्स, प्रोस्टाग्लैंड्स के इतराव को अवरुद्ध करके काम करता है। ई फ्लू आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं, या फिर कुछ खास टिप्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो इन आई ड्रॉप्स को लगाने से पहले उन्हें हटा दें। अपने लेंस को वापस रखने से पहले कम से कम 1 मिनट तक वेट करें। 1 से 2 मिनट के लिए सूखने वाली सनसनी हो सकती है। अगर लंबे समय तक ऐसी हालत रहती है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। बोतल खोलने के 1 सप्ताह के भीतर ही इसका इस्तेमाल करें। डोलेशन से बचने के लिए उसी आग में अगली दवा डालने से कम 5 से 10 मिनट तक वेट करें। ई फ्लू आई ड्रॉप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर या ऑप्थल्मिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें। बाद में इस आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से ई फ्लू आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो ई फ्लू आई ड्रॉप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन बताइए, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल दिया है वहाँ पर बताइए। ई फ्लू आई ड्रॉप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ली।